ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਬਸ ਇਹ ਯਾਰ ਨੀਚੇ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਵੈਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਣ ਸੇ ਘਰ ਮੇ ਲੜਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਣ ਸੇ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੋਗੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹੋਪਸ ਆਰ ਯੂ ਗਾਇਸ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਐਟ ਯੋਰ ਹੋਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ आज मैं करूंगी टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है थंबनेल भी देख लिया लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगी मैं करूंगी फसी का हेयर कट। फसी का हेयर कट करने के लिए मुझे तो 2 हफ्ते लग गए पहले फसी को बनाने में फिर मामा को बनाया और फिर पापा को बनाया क्योंकि किसी को भी मेरे पर यकीन नहीं था कि मैं उसके ढंग से बाल काटूंगी और ऐसा होगा भी नहीं चूँकि होगा कुछ यूँ कि पहले तो मैंने मामा से कहा कि मामा मैंने फसी का हेयर कट करना है तो मामा कहती है नहीं बेटा उसके बाल खराब नहीं करने फिर मैंने पापा से पूछा पापा कहते हैं हेयर कट की क्या जरूरत है बेचारे के तो आगे 2-2 बाल है सर पे उसके बाल ना बहुत ज़्यादा हल्के हैं तो हम सब ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम फसी की टिंड करें मैं काटूंगी फसी के बाल बहुत ही बुरे तरीके से मतलब अपने बुरे बाल काटूंगी कि फिर टिंड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उसकी टिंड करेंगे पापा इस बात का सिर्फ और सिर्फ फसी के अलावा पूरे घर वालों को पता है तो ये जनाब आज मैं करूँगी फसी का हेयर कट और ये बड़ी टेक्निक से होने वाला है पहले मैंने फसी को ये बताया कि फसी हम ना तुम्हारा हेयर कट करेंगे और हम ये करेंगे जैसा एक टेबलो प्ले करते हैं कि मैं एक बार बनूंगी तो मेरे शॉप पे आओगे मैं तुम्हारी कटिंग करूँगी बला 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 सारा कुछ मैंने उसको समझा चुका है लेकिन पर वो भी ये नहीं जानता कि उसके बाल में बहुत बुरी तरह से काटने वाली हूँ और फिर उसके बाद होने वाली है उसकी टिंड उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने वाला है मुझे बहुत ज़्यादा मारने वाला है पापा मैं आपसे पूछूंगी बाद में यार कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा क्या फ़ायदा हुआ बार बनने का जब कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा तो कस्टमर आ जाओ जी जनाब ये देख रहे हैं बहुत ही शानो शौकत के साथ कस्टमर आ गए हैं हट यार तुझे आता ही कस्टमर आ जाए फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है सर प्लीज हैव अ सीट सर प्लीज हैव अ सीट हैव अ सीट सर आप क्या लेंगे अपने बाल खराब करवाने का हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स मौजूद है इफ़ यू आर टू पाकिस्तानी यू हैव दिस बॉटल एंड हमने एक स्टूल के ऊपर सारा सारा सामान रख दिया 2 कैंचियाँ एक कंघा दूसरा कंघा एक हेयर कैच और एक शीशा ताकि हम अपने कस्टमर को ज़रा मुतमईन रख सकें जो बाल हैं थोड़े हल्के करने हैं लेकिन बिल्कुल ही हल्के नहीं कर दे और साइड बराबर कर सर हम एक काम करते हैं हम आपको लगा देते हैं ये हेयर कैच जिसकी वजह से जितने बाल इस हेयर कैच से ऊपर होंगे वो सारे काट देंगे ठीक है आप इस आईने में अपना बूथा शरीफ देख सकते हैं ये देखिए इतने बाल काट देते हैं सर क्या कहते हैं आप ठीक है नहीं है इससे थोड़े से सर आपके बाल ना बहुत हल्के हैं टेंड करा ले आप मैं अच्छा नहीं है तो मजाक छोड़ दूंगा मैं एंड विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट फसीज कटिंग एंड दी होम सर वादा क्या दिला दे आप कैमरे में आ रहे हैं आपका बड़ा प्रैंक होने वाला है थोड़ी देर तक नहीं नहीं मैं मजाक कर रही यार मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी ना वो अच्छा मैं सबसे पहले तो बाल के लिए करते हैं सर आपको मजा आ रहा है आई डोंट नो व्हाट टू डू सर अभी आप आईना ना देखें क्योंकि अगर आप आईना देखेंगे तो आपको बुरा लगेगा कुछ भी नहीं होगा यानी कुछ भी नहीं होगा मैंने आपसे वादा किया ना मैं आपकी सही बाल काटूंगी ऊपर मुंह करो ऊपर मुंह करो अल्लाह बचा ले यानी नथिंग विल हैपन हिली ना यार नहीं ना बाल काटने से पहले ऐसे करते हैं हम घर में काट रहे हैं इसलिए हम नहीं करेंगे क्योंकि मुसीबत आ जाती है ना आई डोंट नो व्हाट आई डू मैं देख ना मॉडर्न टाइप का नहीं हूं मैं आगे खड़ा काटूंगा गर्मी सर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना शायद सर आपको कुछ पीना तो नहीं है यार तुम क्या कर रहे हो हिलो तो नहीं बाल खराब हो जाएंगे इट्स टाइम टू कट हेयर ये देखें सर अभी आपने हिलना नहीं है सर आपको मैंने कहा था हिलना जुलना नहीं आपका क्या मसला था आपकी जो एप्पल हेयर में है ना यहाँ पर बहुत मक्खियाँ और तंबूड़ियाँ थी यार कुछ नहीं हुआ सर बच गए आप नो सर नो सर बाल अभी भी ठीक कट रहे हैं ना हाँ मैं देखता हूँ नो सर नो नो शीशा मुझे लगता है आपने कुछ कर दिया है नहीं किया इतने है? बाल इतने बाल मैंने तुम्हें थोड़े से कहे थे तुमने मेरे सारे बाल खराब कर फसी अहमद यार ये क्या बात हुई फसी अहमद यार मिशन सक्सेसफुल आप ये नीचे जाते यार देखे मैंने कितना बुरा किया बेचारे के साथ सारे बाल काट दिए इससे अच्छा और कोई आइडिया नहीं था अब मैं नीचे जाती हूँ और अब पापा उसके काटेंगे बाल मतलब टिंड टिंड इट्स टाइम टू टिंड मैंने देखा ना मेरी की बच्ची ने मेरे सारे बाल खराब कर दिए हैं अकलमा सोनिया ये करनी है सिर्फ बिनिया काटती हूं हां सारे कंधे कर दिए हैं बाल इसमें कहां अच्छे काटूंगी खराब हो गया बेटे होने ना सही नहीं होने टेंड करा लंदा मामा टेंड हां तो बाहर तो जाना नहीं लॉकडाउन है सारी शर्ट पा लाना बाहर की चादर का क्या फायदा होया 2 हफ्ते का है 2 हफ्ते में मेरे बाल ही बढ़ते बढ़ जाएंगे बढ़ते
हल्का हल्का फील कर रहे हैं, दुनिया में से बोझ कम हुआ लग रहा है? नहीं, दुनिया में बोझ भरी है। हमारा स्पाइडरमैन पूरी छत पर लहराते हुए नेताभी से पापा का इंतजार कर रहा है। इसकी टेंट करने के औजार हमारे पास मौजूद नहीं थे जो पापा लेने गए हैं। कैसा लग रहा है इतने सुहाने बाल कटवा? फसी का बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। I had a tent. फजी को बहुत गुस्सा आया है मुझ पर, पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि पापा इसको कह के गए थे हमने इसको कुछ नहीं कहना, हम इसके बाल काटेंगे खराब, जो कैसा होने वाला है नहीं। अच्छा ठीक है, लेटी भी है। क्या कह रही? डिलीट कर इसको। डिलीट कैसे कर दूँ सर? आप जानते हैं ना कि यहाँ इस कैमरे में जो भी चीज़ रिकॉर्ड हो जाए वो डिलीट नहीं होती। सर प्लीज़, सर आप नहीं जाने दें। सर प्लीज लीव मी अलोन। सर हम एक्सपोज कर दिया फजी को, हमने फजी को एक्सपोज कर दिया। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम फसी की टेंड करेंगे मशीन के साथ, लेकिन पर हमारी मशीन की बैटरी और उसका स्विच दोनों टूट चुके हैं, तो अब हम फसी के ब्लेड के साथ टेंड कर रहे हैं। फसी कैसा लग रहा है आपको? चुप, बिल्कुल चुप। इफ बेबसी हैड अ फेस। मुझे बस ये पता है कि टेंड के बाद जानी अच्छा बहुत दिखेगा। देख सकते हैं हमने टेंड धो दी है अपनी, वो कितना अजीब लग रहा है ना। मेरी जानी ओए। ये किसने मेरे सर पे कपड़ा रखा है? मैंने बाल रखे थे यूं करके, ये देखे यार मैं गंजा ही थी। यार तेरे बालों की जरूरत, रुक तो जाओ ना यार। ये देखे हमने फसी की टिन कर दी है, ये देखे। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग देन हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो। और वो तो बूढ़ी आ रही है कि करूं? और लाइक आपने लाजमी करना है, क्योंकि मैंने बेचारे फसी की पकड़ के टिन कर दी है। लाइक तो बनता है ना। ओके फाइन, अल्लाह हाफिज़ गाइस। ओके बाय यू।